दोस्तों, आज हम कुछ इस तरह की इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की जो है रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो आप लोग भी अपनी इस तरह की रील बना सकते हैं। तो इस तरह की जो है रील को बनाने के लिए आप लोग क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है VN। तो आप लोग क्या करना है, VN ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं अपने VN ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जो अपने VN ऐप को ओपन कर लिया है, तो ओपन करते ही आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग क्या करना है, नीचे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, वीडियो से फोटोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, और ऑल पर क्लिक करके जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटो है तो वहाँ से आप लोग अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। तो एक ही फ़ोटो लेनी है, तो मैं कोई सी भी एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ और ऐड करके आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई सी भी इनमें से एक फ़ोटो ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं जो है इनमें से एक फ़ोटो कोई सी ये वाली ऐड करके चारों वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद आप लोगों, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें लास्ट में आना है। ये ब्लैक कलर का आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड सा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पर डिलीट कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद ऊपर आप लोगों को ओरिजिनल का जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 9:16 वाला जो रेशो है इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, तो इस फोटो को जो फोटो की जो ड्यूरेशन बढ़ा लेनी है हम लोग, तो इस जो फोटो की ड्यूरेशन हमें 6 सेकेंड तक कर लेनी है, ठीक है, 6 सेकेंड तक। तो मैं इसकी जो ड्यूरेशन है 6 सेकेंड तक कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर डन पे क्लिक करके इस वीडियो को जो हमें इसी तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है 6 सेकंड की, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोगों को पहले इसको जो है फ़ोटो को जो है वीडियो बना लेना है, ठीक है। तो हमारे जो है ये वीडियो 6 सेकंड की जो है तैयार होके आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हमें बैक आ जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल बैक आ जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं बिल्कुल बैक आ जाता हूँ, फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके फोटोज़ वाले, सॉरी फोटोज़ वाले ऑप्शन पे नहीं, वीडियो वाले ऑप्शन पे रहना है, और जो अभी एक्सपोर्ट किया है इसे जो है हमें एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो है हमारी वीडियो ऐड होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारी जो वीडियो ऐड हो चुकी है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप लोग क्या करना है, तो सिंपली बैक पीछे की तरफ आना है, फिर से जो ब्लैक बैकग्राउंड होगा इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से हमें ऊपर ओरिजिनल वाला साइज दिखाई दे रहा होगा ऊपर, और 9:16 रेशो यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद देखिए हमारी 6 सेकंड की वीडियो ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमें ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे म्यूजिक पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ आप लोगों को, देखिए। तो यहाँ पर क्लिक करना है, थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो है, तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये वाली जो रील है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसकी हम ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, चाहे तो आप लोग इसका कुछ भी नाम भी रख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही ओके पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी जो ऑडियो ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर चूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने जो इसे ऐड कर लिया है, तो इतना कर देने के बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद तो हमें जो है सॉन्ग में बीट लगानी है। तो मैं आप लोग बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर लगानी है, सॉन्ग पर क्लिक करना है, और ये फ्लैग वाला ऑप्शन आप लोग दिखाई दे रहा है, बीट्स दिखा रहा है नीचे, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, इस तरह इंटरफेस आएगा। तो देखिए मैंने जो इसमें पहले से बीट लगा रखी हैं, तो मैं आप लोग बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर बीट आएंगे। तो फर्स्ट बीट आप लोग देख सकते हैं 0.39 पे, ठीक है। तो 0.39 पे हमारी जो है फर्स्ट बीट आएगी, और सेकंड बीट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1.01 सेकेंड पे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को थर्ड बीट बता देता हूँ कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो मैं थर्ड बीट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 2.75 पे, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद जो है फोर्थ बीट है हमारी, यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए 4.18, ठीक है, सॉरी 4.118, ठीक है, 4.18, ठीक है। उसके बाद पांचवी बीट आप लोग चाहें तो लगा भी सकते हैं, या फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है, देखिए 5.95 पे है। तो मैं इस बीट को जो है डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो आप लोग इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो इसे डिलीट कर दिया है, तो उसके बाद जो हमारी 4 बीट रह चुकी हैं, ठीक है, उसके बाद हमें सिंपली डन कर देना है, ठीक है। तो मैं इसे डन कर देता हूँ, तो 4 बीट जो हमारी ऐड हो चुकी हैं।
उसके बाद हमें डन कर देना है। और उसके बाद हमें फर्स्ट बीट की तरफ आना है, तो पहले तो हमें इस तरह से जूम कर लेना है और सॉन्ग पे जो बीट है इस पर क्लिक कर देना है। और नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्प्लिट वाला, एक कैंची वाला आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड बीट पे क्लिक करना है ऊपर सॉन्ग वाले, और स्प्लिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसे चार पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपली आप लोग कुछ नहीं करना है, बीट्स पे क्लिक करना है ऊपर, देखिए बीट पे, और नीचे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारी जो है डिवाइड हो चुकी है चार पार्ट में, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो फर्स्ट वाले पार्ट पे हमें क्लिक करना है और इसमें जो एक एफएक्स ऐड करना है, तो सिंपली हमें नीचे एफएक्स ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। और इसमें जो एक एफएक्स ऐड करना है जूम आउट वाला, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये रहा जूम आउट वाला, तो इसे जो हमें ऐड कर देना है इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में, और डन कर देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड वाले पार्ट को छोड़ देना है, ठीक है, ऐसे ही, तो इसमें कोई भी इफेक्ट हमें नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाले पार्ट पे क्लिक करना है और फिर से एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसमें आप लोग क्या करना है, तो जिटर अप वाला या फिर कोई सा भी आप लोग मर्जी अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें जिटर अप वाला लगा देता हूँ, और इसकी जो है ड्यूरेशन आप लोग अपने हिसाब से रख लेना है, या फिर आप लोग इसमें जिटर वाला भी लगा सकते हैं, जूम वाला, कोई सा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा ठीक है, मैं इसमें एक लगा देता हूँ कोई सा भी, ठीक है। तो मैं जिटर अप वाला ही लगा देता हूँ, और इसकी जो है ड्यूरेशन आप लोग या फिर स्पीड कहें तो अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो मैं इसकी स्पीड जो है 35 या 30 सेकेंड तक रख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है हमारा फोर्थ या फिर लास्ट पार्ट का है, तो इस पर क्लिक करना है और फिर से एफएक्स पे क्लिक करना है। और एफएक्स पे क्लिक कर देने के बाद हमें क्या करना है, तो सिंपली जो हमें एक और बार जो इसमें जिटर वाला लगा देना है, ठीक है। तो मैं इसमें जिटर वाला लगा देता हूँ, पहले जिटर अप वाला लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से जो ये लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा, तो इसके बाद देखिए हमारे चार पार्ट हो गए, पांच पार्ट हैं सॉरी इसमें, ठीक है। तो चार वो पांच पार्ट में था सॉरी। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट आ चुका है, तो इसमें भी आप लोग क्या करना है, तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई सा भी एफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिटर अप वाला मैं लगा देता हूँ, तो सॉरी मैंने जो है चार पार्ट में आप लोगों को कहा था, ये पाँच पार्ट में डिवाइड होगा, सॉरी, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद जो है लास्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना है, और नीचे आप लोग बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, देखिए तो लास्ट में आना है, लास्ट में आप लोगों को ये जूम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखिए इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक कर देने के बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जूम इन वाला, देखिए कुछ इस तरह से हमारी फोटो आ जाएगी जूम हो करके, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये वाला हमें इसमें ऐड कर देना है लास्ट वाले पार्ट में। तो हमारी जो वीडियो बनकर अच्छी तरह तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमारी जो है वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Around, I can right now. I ain't trying to tell you what to do.